तो भाई सामने रहा सबसे बड़ा वाला वाटरफॉल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और भी देखेगा एक आपको छोटा सा वाटरफॉल वहाँ पे दिख रहा होगा और बड़ा सा यहाँ पे दिखेगा। अभी हम इसके पास जाने वाले हैं भाई, देख लो इतना बड़ा सा वाटरफॉल है। यहाँ से रीटा साहिब है 41 किलोमीटर हमने, और ये रहा भाई वाटरफॉल इतना बड़ा सा, आप देखो बिल्कुल वहाँ से पूरा नीचे तक, ये देख लो भाई मस्त सा और बड़ा सा वाटरफॉल। ये नज़ारे हमारे पहाड़ के यहाँ से शुरू होता भाई, और वो देख लो भाई पूरा कैमरा घुमाने के बाद भी पूरी गर्दन खड़ी करनी पड़ी है, उत्ती ऊपर से पानी आ रहा भाई, इतना बड़ा वाटरफॉल है भाई, देखो वहाँ से पूरा आ रहा है बड़ा सा भाई। मतलब भाई वाटरफॉल अपने पीछे पूरे कैमरे पानी आ गया। अब इसकी हाइट आप देख लेना, हमारे हिसाब से लगभग 100 से 150 मीटर की हाइट कितनी है, आप लोग कमेंट करके बताना हाइट कितनी है, हम तो नहीं नाप सकते, अगर आप वीडियो देख के नाप सकते हो ना तो भाई हाइट आप कमेंट कर सकते हो। और हमारी किस्मत देख लो भाई, धूप आ गई है, पहाड़ों का मौसम भाई, ये देख लो आसमान में बादल, इतना प्यार सा लग रहा है, छोटा सा वाटरफॉल यहाँ पे और इससे थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे। तो आजकल तो पहाड़ों में सब जगह छोटे छोटे झरने देखने को मिलेंगे। पहाड़ियों बताओ ये वाटरफॉल को क्या कहते हैं पहाड़ों? हाँ भाई जो पहाड़ वाले हैं ना, जो उत्तराखंड वाले हैं, तो ये बताओ वाटरफॉल को पहाड़ी में क्या बोलते हैं, ठीक है आपको वो बताना है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा, मुझे पता है वीडियो कम लोग देखने वाले हैं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ ना इसलिए, पर जो भी देख रहे हैं ना कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो पहाड़ के हैं उनको शेयर करना। हाँ बिल्कुल। और भाई ये देख लो रोड, हमारे यहाँ की रोड है भाई, ओ भाई इसीलिए पापा हमको मना कर रहे थे कि भाई मत आना बाइक से, बरसात होती तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती, हम लोगों की किस्मत अच्छी है कि बारिश नहीं हुई, तो रोड देख सकते हो बहुत ज़्यादा रिस्की है वो भाई, और रोड़े हो रहे हैं, बहुत ही दिक्कत हो रही है, और इसमें बहुत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की ज़रूरत है, ऊपर से बहुत वेल ट्रेंड ड्राइवर क्योंकि योगे सैया है उसका एक्सपीरियंस हो। मैं चला लूँगा गाड़ी पर, ऐसे में नहीं चला पाऊँगा। पहाड़ों का मौसम देख लो कितना प्यारा सा हो रखा है, सामने देख लो भाई पूरा कोहरा उड़ रहा है, आसमान के आपको बादल भी दिखेंगे, और इस साइड धूप आई हुई है जहाँ हम ड्राइविंग कर रहे हैं यहाँ पे आई हुई धूप, और सामने देखो ऐसा मौसम हो रखा है पूरा बंद वाला, ऐसा लग रहा बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है, ऐसा कुछ मौसम है पहाड़ों का। और रोड देख लो भाई पूरे गड्ढे गड्ढे वाली हो रखी है, बहुत ही ख़राब रोड हो रखी है, बारिश के लायक तो बिल्कुल भी रोड नहीं हो रखी है। तो जो भी हल्द्वानी से आ रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि बाइक से भाई ना ही आए, अगर आपको अच्छे चलानी आती है तो आप आ सकते हैं, तो जा ही रहे हैं, पर थोड़ी क्या हो रही है कि दिक्कत हो रही है। अब आप लोग ये कमेंट करो कि भाई हेलमेट पहनो, हेलमेट मेरे हाथ में है, अभी मैंने वीडियो बनाने का उतारा हुआ है क्योंकि ना अगर मैं हेलमेट से बोल रहा हूँ तो आवाज़ नहीं आ पाई इसीलिए, तो जब वीडियो बंद करूँगा तो दोबारा से हेलमेट पहनूँगा। और ये देख लो भाई पहाड़ तो मस्त लग रहे हैं, बिल्कुल हरियाली चारों तरफ और मौसम इतना प्यारा सा हो रखा है। तो भाई बता अपनी गाड़ी का मज़ा ही कुछ और है, तो अभी योगेश भाई से बात होगी इस बारे में, अपने सपने के बारे में। यार मेरा सपना था, पता है मेरे दो सपने थे, एक सपना जो मेरे हाथ में है यानी कि मेरा खुद का कैमरा GoPro, और दूसरा सपना जो योगेश भाई के हाथ में है यानी खुद की गाड़ी। तो मेरा सपना था भाई कभी मेरे पास खुद का कैमरा हो, खुद की गाड़ी हो, आज दोनों सपने पूरे हैं ऊपर वाले के पास है और आप लोगों के प्यार की वजह से। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, आप लोगों का प्यार है और ऊपर वाले कृपा है, घर वालों का प्यार है, तो वो खुद के दोनों सपने कंप्लीट कर पाया भाई, सच में यही मेरे सपने थे। और मेरा पता है मैं सोचा मेरा वीडियो बनाऊँ मस्त करके, आप लोगों से बातों पर थोड़ी बहुत होता है ऐसा, तो जॉब करने चले गए, देखते हैं आज को। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए गुरुद्वारा श्री रीटा साहिब के सामने, तो सामने रहा गुरुद्वारा श्री रीटा साहिब और ये रही लदियागढ़ नदी। तो भाई बच्चे नहा रहे हैं देख लो, यहाँ पे हमको बच्चे नहाते दिख रहे हैं भाई, हैवी एक्सपीरियंस है, बहुत खराब है। तो तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ, तो हमने पता अपनी गाड़ी फुल टंकी करवाई थी, ये देख ले भाई मीटर का भाई पूरा फुल है, हमारी गाड़ी तेल नहीं खाती है भाई, ये देखो क्या गधेरे दिख रहे हैं यार नीचे। फाइनली हम लोग अपने गांव पे पहुंच गए, तो अपने गांव वाली मेन रोड और यह लिंक रोड जो कि हमारे घर जाएगी, रोड तो ख़राब है पर हम लोग इसके लेंगे, तो
तो कोशिश करेंगे गाड़ी घर ले जाने की। भाई अपने घर की रोड भाई कुछ इस तरीके से है जो कि पूरी ख़राब हो रखी है। फाइनली हम लोग घर पे पहुँचने वाले हैं, बस तो 2 मिनट का रास्ता खोल जाने लगे और घर आने का खुशी मेरे चेहरे पर देख लोगे। और भाई रोड तो बहुत ही गंदी, ये रहे अपने खेत और भाई अखरोट भी लगे हुए हैं पेड़ों पर। भाई साहब होशियार गोस्वामी जी क्या हाल है तुम्हारे? अरे बच रहे यार की रहे नहीं ठीक चा नमस्कार ठीक चा। अरे रोड रोड पर खराब है यार, खराब है तो ये देख सकते हो बकड़ों की तरह खा रहे हैं भाई। भाई ऐसे कौन कैमरा लाता है भाई? अरे लो यार आप भी खा लो। तो भाई घर आके देखो खुशी देखो भाई, घर आते दही मिल रहा है इसकी, पता है इसकी मेन जरूरत योगेश भाई को थी, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, खा ही रहा है एनर्जी लो। सही बात है, तो मजा आ गया भाई घर का दही खा के। और ये देख लो भाई मस्त वाला हल्द्वानी में तो हम लोग लेते थे भाई 20 रुपए 20 रुपए की भाई, और इतनी आती थी भाई, इससे कमाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये देख लो पूरी कटोरी भर के भाई दही, और ये लोग चम्मच के साथ चीनी नहीं है भाई, चीनी मिली नहीं हो रहा यार बंद कर दे खा रहे चीनी चीनी नहीं मिली भाई मुझे, खा लो। देख लो भाई आते कैमरा उठा लिया, और जिम्मी सोच रहा है साला मेरे को कब दोगे, मैं गया मजाक करने आया था। तो अभी शाम के बजे 6:38 और मम्मी भी जंगल से आ गई है। तो अभी तक मम्मी और पापा जी जंगल गए थे, पापा जी बैलों को लेके, मम्मी घास काटने के लिए, और मैं पता भाई घर से गायब हो गया था क्योंकि घर में कोई थे नहीं, तो मैं चले गया था योगेश भैया के साथ। और मम्मी देख लो भाई, मम्मी बुढ़ी हो गई भाई, मम्मी के बाल फूल गए, देख लो भाई मम्मी भाई जल्दी बुढ़ी हो गई भाई, मम्मी के बाल फूल गए। तो कैसा लग रहा है तुम्हें, कुछ लग रहा है? तो मम्मी के साथ वीडियो बना रहा था और बता कैमरे की बैटरी लो होगी क्योंकि बैटरी बची कैमरे पे 10%, तो अपने आप ही बंद हो गया भाई। अभी सारे बच्चे मिलने को आएंगे एक एक करके, ये देख लो भाई, और जैसे बच्चे यहाँ तक आते हैं कैमरा सीधे ऑफ, देखते हैं तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है कैमरे की बैटरी। ये देख लो योगी और डिग्गू बिल्कुल वहाँ से आ रहे हैं मस्त करके, ये मेरे को ढूंढ रहे थे। योगी नमस्ते, क्या हाल है मेरे लाल, मेरे हले, मेरे पीले, नमस्ते भाई। चाची सफाई भी लगी हुई है, तो ये देख लो भाई चाची सफाई पे लगी हुई है। चाची बोली वहाँ कैमरा नहीं लाना है क्योंकि पूरी हालत खराब हो रखी है यार, अब सफाई करेंगे तो धूल तो लगेगी। और योगी क्या, योगी यार क्या कर रहे हो, कैमरा ऑफ हो जा रहा, बताओ बैटरी नहीं है क्या होगा, चार्ज लगाओ, कहाँ से लाइट भी नहीं है तुम्हारे इलाके में, क्या होगा? ये देख लो भाई बड़े चमक रहे हो, क्या बात है, बड़े लाल रहे, पीले नीले हो रहे हो, क्या बात है? और निग्गू तुम बड़ा शर्माते हो यार। तो भाई बच्चे बाइक जैसे क्या लाए हो, बाइक देखी कहाँ है बाइक? तो अभी शाम के हो गए 7:30 और अभी तक हम लोगों ने कैमरा चार्ज पे लगाया था, और खुशी की बात यह कि लाइट ही नहीं आई और कैमरा कभी ऑफ हो सकता है, तो पता नहीं भाई क्या होगा, ब्लॉग कैसे आएंगे तो पता नहीं क्या होता है। तो फिलहाल का पता है इस ब्लॉग क्या करते हैं, यहीं पे एंड कर देते हैं। देखो सारे बच्चे भाई ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल मुरझाए हुए शक्ल से क्योंकि ब्लॉग बन नहीं पा रहा है, छोटा सा वीडियो होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ में अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर कर देना, और सभी को बताना कि आपका भाई दोबारा से यूट्यूब पे बैक हो गया और आप लोगों के लिए वीडियो बनाएगा कंटिन्यू। आज के बाद आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे पहाड़ के, गाँव के, जो सब कुछ आप देखना चाहते थे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम आपको मिलते हैं कल सुबह आठ बजे तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय। जय देव उत्तराखंड।